अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मकसूद डायरीज। गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, हम सब एसी लेने को सोच रहे हैं या फिर ले चुके हैं। कितने स्टार की आप एसी लेंगे कि आप बिजली का बिल हो जाए जीरो या फिर बहुत ही कम। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि कितनी टन की एसी लें और कितनी स्टार की एसी लें कि आपका बिजली का बिल जीरो हो जाए या फिर बहुत ही कम आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पॉज करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले जी हाँ, जब भी हम मार्केट में एसी खरीदने के लिए जाते हैं, हमेशा हमें दुकानदार क्या कहता है कि आप जो एसी लीजिए वो लीजिए 3 स्टार या फिर 4 स्टार। वो कभी नहीं कहता है कि आप 5 स्टार की एसी लीजिए। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप जाइए मार्केट में और पता करिए, आपको यही बताएगा कि 3 स्टार वाली बहुत अच्छी है, 4 स्टार वाली बहुत अच्छी है। जब आप कहेंगे मुझे 5 स्टार दिखाओ तो वो कहेगा 5 स्टार मेरे पास है ही नहीं। नंबर वन चीज, जब भी आप एसी लेने के लिए जाएं, बड़ी दुकान पे जाएं जहां पे आपको वैरायटी मिले, जहां पे आपको 1.5 टन 1 टन और आपको मल्टीपल आपको स्टार की एसी देखने को मिल जाए और मल्टीपल कंपनीज की हो। नंबर टू, अगर आपका घर में जो कमरा है वो 10x10 का है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो एसी लें सिर्फ और सिर्फ 1 टन की लें, और उसके साथ साथ आप 5 स्टार की एसी लें 1 टन की लें, आपके लिए 10x10 का कमरा इनफ है ठंडा करने के लिए। और अगर आपका कमरा बड़ा है तो आप 1.5 टन की एसी लें, लेकिन 5 स्टार से बिल्कुल भी कम ना लें, क्योंकि जब आप 5 स्टार की एसी लेते हैं और वहां पे अगर आप 1 टन लेते हैं, क्योंकि जितनी आपको नीड थी, तो आप देखेंगे कि आपका जो बिजली का कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं और आप बताते हैं कि मेरा 10x10 का कमरा है, तो वो आपको यही कहते हैं कि आप एसी लीजिए 1.5 टन की, बहुत ज्यादा चिल करेगी। लेकिन मकसद हमारा चिल करना नहीं है, मतलब कि हमें फ्रिज नहीं बनाना है, बल्कि हमें रूम को ठंडा रखना है। तो इसके लिए आपके लिए अगर आप 1 टन एसी लेते हैं तो वो काफी ज्यादा किफायतेमंद होगी, आपके प्राइस के भी लिहाज से और आपके बिजली के बिल के भी लिहाज से। और अगर बड़ा कमरा है तो 1.5 टन की आप ले सकते हैं। हमेशा 5 स्टार एसी लें, 5 स्टार एसी आपके लिए काफी ज्यादा किफायतेमंद हो सकती है। और अगर आपने ये नहीं देखा है अभी तक कि बिजली बचत कैसे करें एसी चलाते हुए, तो आप आई बटन पे जाके मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जाइएगा दुकान पे और आप दुकानदार से कहिएगा कि मुझे एसी दिखाओ, मुझे 5 स्टार दिखाओ, और वो छोटी दुकान होगी तो वो कभी भी आपको 5 स्टार एसी नहीं दिखाएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो कि 3 स्टार या फिर 4 स्टार, यहां तक कि 2 स्टार एसी लगाए हुए हैं। आप उनसे पूछिए या कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि सच में आपका बिजली का बिल कितना ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू जब आपने 5 स्टार एसी लगाई तो आपका कितना ज्यादा बिजली का बिल कम हो गया। ऐसे ही अगर आप फ्रिज लेते हैं तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए और 5 स्टार फ्रिज भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि बिजली कंजम्पशन काफी ज्यादा कम हो जाता है, इसीलिए कंपनी ने 5 स्टार बनाया है। बिल्कुल ये बात सच है कि अगर आप 5 स्टार एसी लेते हैं तो वहां पे आपको 2 से 2500, हो सकता है 3000 का आपको प्राइस का डिफरेंस देखने को मिल जाए, लेकिन ये प्राइस का डिफरेंस जब आप बिजली के बिल में आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कम आने वाला है। तो जी हाँ, अगर अभी तक अगर आपने एसी नहीं लिया है और एसी लेने को आप सोच रहे हैं तो 5 स्टार एसी लें और ऐश करें और बिजली का बिल जीरो करें। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं और 5 स्टार एसी लेते हैं 1 टन की लेते हैं, तो मेरे समझ से आपका बिजली का बिल हो जाएगा जीरो। और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं और कहीं रहते हैं जहां पे आपका यूनिट जो चार्जेस हैं 5 रुपीज या 6 रुपीज पर यूनिट है, तो आपके मिनिमम जो बिल आएंगे एसी के साथ, तो हो सकता है 2000 रुपए तक देखने को मिल जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इसको जान सकें, समझ सकें और दूसरे लोगों को भी बता सकें।